हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टेट कॉम। ठीक है, बेसिकली स्टेट कॉम क्या होता है? एक फैक्ट्स डिवाइस होता है जिसका यूज़ ऑफ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए करते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें दो वोल्टेज गिवन है, V1 एंड V2। ठीक है, और ये दो वोल्टेज बाय यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका रिएक्टेंस या इम्पीडेंस RA+JX है। ठीक है, और उस ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I। ठीक है, यहाँ पे आपने एज्यूम कर लिया है कि जो लाइन का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो जो रिएक्टिव पावर होती है वो आपको पता है क्या होती है? ठीक है, इट इज़ गिवन बाय Q। ठीक है, तो क्या होती है? V2 बाय V1, कोष्टक में V1 cos del माइनस V2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप एजम्पशंस लो, ठीक है, ये तो हो गई रिएक्टिव पावर की बात, लेकिन एक्टिव पावर फ्लो कैसे होगी इसमें? ठीक है, तो एक्टिव पावर आपको पता है क्या होती है? V1 V2 sin del by x। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक्टिव पावर जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, अब रिएक्टिव पावर के बीच में यहाँ पे एंगल जो आ रहा है, ठीक है, डेल, ठीक है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि भाई मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, V1 का ज़्यादा है V2 से या V2 का ज़्यादा है V1 से। ठीक है, तो सपोज करो अगर V1 इज़ मोर देन V2 है, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ V1 जो है वो अगर V2 से ज़्यादा है तो रिएक्टिव पावर का फ्लो किधर होगा? ठीक है, सोर्स से लोड की तरफ। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ V2 इज़ मोर देन V1 है तो जो रिएक्टिव पावर का फ्लो है वो कहाँ से होगा? सोर्स टू लोड। ठीक है, अब जो स्टेट कॉम होता है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है जो डिज़ाइन ऑफ स्टेट कॉम है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? ठीक है, तो सबसे पहले है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। ठीक है, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर आपने पढ़ा है, 3-phase वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, 180° एंड 120° मोड। ठीक है, तो और इसको आपने डिज़ाइन किसके थ्रू किया था? ठीक है, जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर था उसको आपने GTO के थ्रू डिज़ाइन किया था, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर जो था उसको आपने IGBT के थ्रू डिज़ाइन किया था। ठीक है, अब दूसरा आता है DC कैपेसिटर। DC कैपेसिटर किस लिए यूज़ कर रहे हैं? आपको जो सप्लाई देना है, ठीक है, जो VSC है, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है, उसको कॉन्स्टेंट सप्लाई देने के लिए आप DC कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, थर्ड वन इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है? इज़ कनेक्टेड बिटवीन द आउटपुट ऑफ वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर एंड द पावर सिस्टम। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज बेसिकली एक्ट्स एज कपलिंग मीडियम। ठीक है, कपलिंग मीडियम की जैसे इसमें काम करता है। ठीक है, और जितने भी हार्मोनिक्स आएंगे उनको रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, हार्मोनिक फिल्टर आपको पता है कैसे वर्क करता है? ठीक, हार्मोनिक फिल्टर जो भी आपके हार्मोनिक्स आएंगे उनको एटेन्यूएट करने का काम करेगा और अदर फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा? हटा देगा। ठीक है, अब जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है सामने, ठीक है, ये देखो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे आपको DC कैपेसिटर दिख रहा है, GTO इन्वर्टर दिख रहा है, एंड लोड पे पावर सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, और जो V1 है वो क्या है? इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज, और V2 क्या है? सिस्टम का वोल्टेज। ठीक है, जो चीज़ें अपन ने यहाँ पे देखी थी कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, V1 का ज़्यादा है, V2 का ज़्यादा है, तो ये जिस हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा होगा ये उसी हिसाब से वर्क करेगा। ठीक है, अब स्टेट कॉम की के जो दो मोड है, ठीक है, कौन कौन से मोड है? एक तो वोल्टेज रेगुलेशन मोड है और एक वायर कंट्रोल मोड है। ठीक है, वायर कंट्रोल मोड, तो दोनों मोड में ये कैसे काम करेगा? ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन मोड में और वायर कंट्रोल मोड में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आ रही है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्स एक्सिस पे आपने करंट ले लिया, वाई एक्सिस पे आपने वोल्टेज ले लिया। ठीक है, दोनों वोल्टेज को आपने शो कर दिया, V1 एंड V2। तो ध्यान से देखिए, V1 के नीचे का जितना भी एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे दोनों साइड, पॉजिटिव साइड एंड निगेटिव साइड, ठीक है, 1 per unit और माइनस पर यूनिट का आपने एक मेजरमेंट ले लिया, और एंड उस बेस लाइन को ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब V1 के नीचे देखिए कि जितना भी एरिया कवर होगा, ठीक है, V1 वोल्टेज के नीचे जितना भी एरिया कवर होगा उसको बोलेंगे वायर कंट्रोल मोड। ठीक है, V2 के ऊपर जितना एरिया कवर होगा उसको भी बोलेंगे वायर कंट्रोल मोड, मींस नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया। अब क्या बच गया? बीच वाला जितना भी एरिया होगा V1 और V2 का, ठीक है, उसको बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेटिंग मोड। ठीक है, तो ये दो मोड होते हैं
इन दोनों मोड के बीच में, ठीक है, आपका वोल्टेज वेरी करेगा V1 से V2 के बीच में, ठीक है। अब एप्लीकेशंस हैं स्टेट कॉम की, बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है, वोल्टेज स्टेबिलिटी में, एंगुलर स्टेबिलिटी में, ठीक है, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।